हेलो, कैसे हैं सब। तो आज का जो हमारा विचार है वो है कला से आनंद लेना। अगर कला के थ्रू आनंद लेना चाहते हैं तो एक ही चीज़ याद रखनी है कि बच्चों की तरह शुरू हो जाओ, कि जैसे बच्चे छोटे होते खेलते हैं ना, कि उनको खेलने तक मतलब होता है, हार जीत का तो सवाल ही नहीं होता। तो वैसे ही आनंद लीजिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। हम लोगों की गलती यही है कि हम लोग रोज कला के थ्रू अर्निंग वाली चीजें सोचते हैं। अगर कला अर्न करने के लिए कुछ शुरू किया तो शायद आनंदित नहीं होंगे आप। आनंद लेना है तो कला करने के चक्कर में कला शुरू करिए, किसी को प्रूव करने के चक्कर में नहीं। बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि सर आप भी तो पैसे कमा रहे हैं आर्ट के थ्रू। मैं एक चीज बता दूं, मैंने पेंटिंग जो शुरू की है वो पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं की थी। काम करता था, पेंटिंग करता था, आनंद लेता था, तो लोगों को वही पसंद आया, उसी से मेरी अर्निंग शुरू हुई, तो मैंने अर्निंग शुरू की है। जिंदगी में मजा लेना है तो किसी को प्रूव करने के चक्कर में मत पड़िए, आर्ट को एंजॉय करिए। आर्ट एंजॉय करने की चीज़ है। खुशियाँ लीजिए, आनंद लीजिए, मजे लीजिए, छोड़िए कोई क्या कहता है, इसका क्या फ़ायदा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बच्चे की तरह आनंद लीजिए, जीतिए हारिए कुछ भी नहीं होना। पेंटिंग करिए, खूब एंजॉय करिए, चाय पीजिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गुड लक।